मेरी माँ प्यारी माला दली माँ पढ़ के कुरान को याद करते, मेरी माँ प्यारी माला दली माँ पढ़ के कुरान को याद करते, बनी है जन्नत तुम्हारा गरई माँ रात दिन दुआ दिल से करते, बनी है जन्नत तुम्हारा गरई माँ रात दिन दुआ दिल से करते, याद करके तुम्हारी जवानी, याद करके तुम्हारी जवानी, प्यार और उल्फत की बातें तुम्हारी हम मेहनत मुशक्कत से पाले, हमको मेहनत मुशक्कत से पाले और बहुत दुख माँ तूने उठाए, गर्व क्या गर्व है जिसमें नहीं माँ, गर्व क्या गर्व है जिसमें नहीं माँ, वो अंधेरा और वीरान घर है, घर की नूरानी बस्ती तमा है, घर की नूरानी बस्ती तमा है, माँ नहीं है तो बेकार सब है, लाश को गुस्ल देके तुम्हारी प्यारा चेहरा कफन में छुपाए, लाश को गुस्ल देके तुम्हारी प्यारा चेहरा कफन में छुपाए, दिल तड़पने लगा तब हमारा, दिल तड़पने लगा तब हमारा, ये कयामत को हम याद करते, जब उठाए तुम्हारा जनाजा, जब उठाए तुम्हारा जनाजा, टुकड़े टुकड़े हुआ दिल हमारा, हम तड़पते रहे और तड़पते, हाय माँ हमको अब छोड़ जाते, घर की नूरानी बस्ती तो माँ है, माँ नहीं है तो बेकार सब है, हम यतीमों को तुम छोड़ जाते, हम दुखियारों को तुम छोड़ जाते, किसको माँ कह के तब हम पुकारे, खो गए हमें बेसारे, कौन देगा हमें अब सहारा, कौन लेगा खबर अब हमारी, तुमसे कैसी हुई अब जुदाई, तेरे गम में आंसू बहाते, तुमसे कैसी हुई अब जुदाई, तेरे गम में आंसू बहाते, मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े, मेरे बच्चे मेरे दिल के टुकड़े, अपनी माँ को तुम माफ करना, जा रही हूँ मैं अल्लाह हाथे, छोरे तुमको खुदा के हवाले, उठ रहा है अब मेरा जनाजा, उठ रहा है अब मेरा जनाजा, मेरे बेटे कहाँ हो तुम आओ, कांदा मेरे जनाजे को देकर और करना खुदा के हवाले, तुम कहाँ हो ऐ माँ तुम कहाँ हो,
मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती है, मेरा दिल भी है बेचैन आई माँ। हो गए हम मुसीबत के मारे, घर की नूरानी बस्ती तो माँ है। माँ नहीं है तो बेकार सब है, बनी है जन्नत तुम्हारा घर आई माँ। रात दिन दुआ दिल से करते। ए दोस्तो सब मिल के कहो, अपने रब को याद करो। ए दोस्तो सब मिल के कहो, अपने रब को याद करो। उसने नबी की उम्मत से हमें पैदा किया, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। उसने नबी की उम्मत से हमें पैदा किया, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। गुलशन गुलशन महक उठे, और जो समा सब चमक उठे। गुलशन गुलशन महक उठे, और जो समा सब चमक उठे। सल्ले अला के तरानों से हर सो परिंदे चहक उठे। सल्ले अला के तरानों से हर सो परिंदे चहक उठे। कौन है किसकी आमद पर है चर्चा, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। वल्लैल सियाही जुल्फों की, चेहरा वद्दोहा उसका। वल्लैल सियाही जुल्फों की, चेहरा वद्दोहा उसका। सारे जहां का प्यारा है, आब मुहिब है खुदा उसका। सारे जहां का प्यारा है, आप मुहिब है खुदा उसका। रब ने बनाया जब उसको, खुद आपने कहा सुबहान अल्लाह। रब ने बनाया जब उसको, खुद आपने कहा सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। सब तेरे को बख्श दूंगा, कुछ गम न कर महबूब हसी। सब तेरे को बख्श दूंगा, कुछ गम न कर महबूब हसी। तू चाहता क्या है अब द मेरे, जरा लब तो हिला सुबहान अल्लाह। तू चाहता क्या है अब द मेरे, जरा लब तो हिला सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। जिस चांद सजा है तारों से, यू बज्म में सजी तेरे यारों से। जिस चांद सजा है तारों से, यू बज्म में सजी, यूं बज्म में सजी तेरे यारों से। सिद्दीक उमर उस्मान अली, मुझे प्यार है तेरे प्यारों से। सिद्दीक उमर उस्मान अली, मुझे प्यार है तेरे प्यारों से। कुरान में रब ने सहाबा का बड़ा जिक्र किया, सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह।
जब हौजे कौसर पर आका तकसीम करेंगे खुद सागर। जब हौजे कौसर पर आका तकसीम करेंगे खुद सागर। साथ उनके खादिम भी होंगे सिद्दीक उमर उस्मा हैदर। साथ उनके खादिम भी होंगे सिद्दीक उमर उस्मा हैदर। फरमाएंगे आका फिर से पीतू नात सुना सुबहान अल्लाह। फरमाएंगे आका फिर से पीतू नात सुना सुबहान अल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوار عزیز دوستو رمضان المبارک کی ہماری آخری گھڑیوں میں آخری مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے اور پوری رمضان میں جو کچھ کہا گیا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آج بھی ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ ہو. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. کل ذکر چھیڑ دیا تھا معراج کا. جی تو یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے برائے ماموں نے جو نظم سنائی ماں کے اوپر
जो बहुत ही दर्दीली माँ की किस नियामत किस कदर नियामत है, तो जी ये चाह रहा था कि उसको सुना देते, उसी पर कुछ माँ के वाकयात माँ के कसाइस, लेकिन ये उससे और अफजल है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए तशरीफ लाए थे जिब्राइल अमीन और हजरत मीकाईल, बुराक नामी सवारी लेकर आए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवार जब करना चाहा तो बुराक तरह मस्ती करने लगा, शोखी करने लगा, जैसे एक वो आदमी के जिसकी खुद की सवारी ना हो, घोड़ा खुद का ना हो, दूसरे किसी का हो, और अगर वो बैठना नहीं जानता है तो बाद मर्तबा घोड़ा जो होता है वो बैठने नहीं देता, वो मस्ती करता है। अब ये कि बुराक उसने शोखी दिखाई जरा, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुराक तुझे मालूम भी है कि आज तेरे ऊपर कौन सवार हो रहा है? तेरे ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हो रहे हैं। इतना कहना था कि बुराक शर्मिंदा होकर पसीना पसीना हो गया। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर जलवा अफरोज हुए, तशरीफ फरमा हुए, पीछे रदीफ बने हैं जिब्राइल और मीकाईल, रदीफ यानी पीछे बैठना सवारी पर। बाद लोगों ने यह भी कहा कि जिब्राइल आगे आगे चलते रहे, अल्लाह ताला ने उनको तो वो सलाहियत दी है तेजी से चलना दौड़ना। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर के साथियों में से थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चले। दरमियान रास्ते में एक ऐसे इलाके पर से गुजर हो रहा था जो बहुत तेज जा रहे थे, उसमें कि जो खजूरियों का झाड़ ज्यादा दरख्त ज्यादा थे, खजूरों के झुंड थे, कहा आप उतरिए यहां पर और दो रकात अदा कीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर दो रकात अदा की। जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा कि आपको पता है कि आपने ये दो रकात कौन से इलाके में कहां अदा किए? कहने में नहीं जानता। कहा ये मदीनतुल मुनव्वरा है जहां पर तुम हिजरत करके आएंगे, जहां आपको हिजरत करके आना वो ये मदीना शरीफ है, आपको हिजरत करके आना है, वहां दो रकात पड़ी। वहां से चले फिर आगे दरमियान में पहुंचे तो कहा कि फिर यहां पर दो रकात पड़ी आप, और ये पता है कि आपने ये दो रकात कहां पढ़ी है? उसके बाद पूछते हैं, कहा मैं नहीं जानता। तो कहा ये हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम की जगह है जिसको शजरे मूसा कहते हैं। हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से जहां बातचीत की थी, उनको जहां अल्लाह से बात करने का मौका मिला था जिस इलाके में, वो ये इलाका है, आपने वहां दो रकात पढ़ी है। उसके बाद आगे चले फिर एक जगह पहुंच के दो रकात पढ़वाई। कहा यह हजरत शोएब अलैहि सलातु वस्सलाम की जगह है जहां आपने दो रकात पढ़ी, यहां शोएब अलैहि सलाम का वतन था। फिर आगे चले वहां से दो रकात पढ़ने के बाद फिर एक चौथी जगह दूसरी दो रकात पढ़वा दी। अब यह कहा कि यह हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की जगह बैतुल्लाहम जहां पर आप पैदा हुए थे, हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश की जगह, अल्लाह ने जहां उनको पैदा किया था यह वो इलाका है। तो ये चार जगह के ऊपर, एक तो आपकी हिजरत करने की जगह, दूसरे हजरत मूसा अलैहि सलाम से जहां बातचीत हुई थी अल्लाह ताला के साथ वो मकाम, तीसरा मकाम हजरत शोएब अलैहि सलातु वस्सलाम की जगह, और चौथा मकाम और चौथी जगह जो थी वो हजरत ईसा अलैहि सलातु वस्सलाम की पैदाइश की जगह थी। ये चार जगह के ऊपर दो दो रकात नमाज अदा करवाई बारी ताला की तरफ से। जब वहां से आगे चल रहे थे और बैतुल मक़दस पहुंचे, हम लोग बैतुल मुकद्दस कहते हैं, बैतुल मुकद्दस नहीं, सही तलफ्फुज और उच्चार जो है वो बैतुल मक़दस है, बैतुल मक़दस पहुंचे। लेकिन बैतुल मक़दस पहुंचने से पहले पहले दरमियान में बड़े अजीबो गरीब किस्म के कुछ वाकयात पेश आए हैं। पहला वाकया तो ये पेश आया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुढ़िया अपनी तरफ बुला रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने कहा मत देखो, जवाब मत दो इसका, आगे चलिए। फिर आगे चले तो रोड के किनारे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, वो बुला रहा है, कहा आप इसको भी मत देखो, चलो आगे चलो। फिर जब आगे चले हैं तो कहा कि अब फिर सलाम क्या किसी ने, अस्सलामु अलैका या अव्वल,
السلام عليك يا آخر السلام عليك يا حاشر. कहा कि जवाब दीजिए, ये हजरत इब्राहिम, हजरत ईसा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने आपको सलाम किया है. तो दरमियान में मूसा, ईसा और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया. वो बूढ़ी जो औरत थी जिसने आपको अपनी तरफ बुलाना चाहा, कहा ये दुनिया थी, अगर आप उसकी तरफ माइल हो जाते तो आपकी पूरी उम्मत दुनियादार बन जाती, दुनिया की तरफ माइल हो जाती आपकी उम्मत. अल्लाह ने आपको दुनिया के फितनों से महफूज रखा. और जब वो बूढ़ा जो रोड के किनारे खड़े खड़े आपको बुला रहा था, वो बूढ़ा शैतान था. वो असल में आपको अपनी तरफ माइल करना चाहता, अगर आप माइल हो जाते तो आपकी पूरी उम्मत शैतान की बातों में आ जाती. अल्लाह तबारक ताला ने हिफाजत फरमाई है. तो गोया ये, और फिर इरशाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेराज के सफर में अल्लाह ताला ने बड़े अजाइब दिखाए. किससे किससे मुलाकात हुई? कहा मैंने दज्जाल को भी देखा. इसी तरीके से फरमाया जहन्नम के दारोगा, जो जहन्नम के ऊपर मैन जो होगा दरवाजे के ऊपर, जिसको मालिक कहते हैं, मैंने उसको भी देखा, उससे भी मुलाकात की. अब इस गोया दज्जाल को भी देखा और इसी तरीके से जहन्नम के दारोगे मालिक उसको भी देखा. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा गुजरवा मैंने देखा एक जगह ऐसी थी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में नमाज अदा फरमा रहे थे. मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि वो खड़े हुए अपनी कब्र के अंदर नमाज अदा फरमा रहे थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अजीब और गरीब किस्म के वाकयात और पेश आए. जो वाकयात मैं सुनाने जा रहा हूं, इसमें उलमाए सीयर का इख्तिलाफ भी रहा है. बादों ने कहा कि ये बैतुल मक़दिस जाने के बाद ऊपर जब जा रहे थे फिर देखा आपने. बादों ने कहा नहीं, ऊपर जाने के बाद देखा. बादों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके से चलाया और घुमाया कि बैतुल मक़दिस जाने से पहले वो सारे हालात देख लिए. क्या देखा आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुजरिमों को, कुछ गुनहगारों को अजीब गरीब सजा भुगतते देखा, कुछ नेकोकारों को भी देखा. कहा मैंने देखा कि तांबे के बड़े बड़े नाखून है तांबे जैसे, और अपने बदन को नोच रहे हैं, अपने बदन की बोटियां और गोश्त निकाल रहे हैं. कहा जिब्राइल से कि ये कौन है, ये क्या माजरा है? कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबतें किया करते थे लोगों की. ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो गीबतें करते थे, लोगों की पीठ पीछे उनको नोचते थे. अल्लाह ताला ने आज इसको खुद ये सजा दी है. इसी तरीके से लोगों की इज्जत पर हाथ डालने वाले, लोगों की बेइज्जती की बातें करने वाले, जिनको लोगों को बेइज्जत करने में बड़ा मजा आता है, उन लोगों को कयामत के दिन अल्लाह ये सजा देंगे कि वो खुद अपने नाखून से, अल्लाह तांबे की तरह उनके नाखून बना देंगे, वो अपने बदन को छीलेंगे, अपने बदन को तोड़ेंगे. और सिर ये डराने की बात नहीं है, जैसे एक बच्चे को डराया जाता है कि बेटा ये काम मत करो वरना तो तुमको ये परेशानी आएगी, ये सजा होगी, सिर्फ धमकाया जाता है. ये जो सजा है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई है. इसलिए हम लोगों को हकीकत इसकी समझना चाहिए कि ये सिर्फ डराने की खातिर नहीं है, वाकई ऐसी सजा मिलेगी गीबत करने वालों को, किसी को ताना देने वाले को, किसी को जलील करने वाले को, किसी की इज्जत आबरू से खेलने वाले को अल्लाह ताला ये सजा देंगे. लोगों को बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है जब किसी की इज्जत आबरू से खेला जाता है, जब किसी की बेइज्जती की बातें की जाए तो सबको इसमें मजा आता है और ये चीज चाहता है कि मैं भी इसमें कुछ हिस्सा लूं, मैं महरूम न रह जाऊं, मैं भी दो लफ्ज ऐसे बोल दूं कि उसमें मेरा भी हिस्सा हो जाए. लेकिन जब कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सजा मिलेगी तब पता चलेगा कि एक ऐसा महंगा सौदा करके आया हूं मैं. एक ये देखा. इसी तरीके से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आगे लेकर चले तो कहा कि देखा कि एक आदमी नहर के अंदर वो गुसल कर रहा है, तैर रहा है और बड़े बड़े पत्थरों को लुकमे बना रहा है, और जब किनारे के करीब आने की कोशिश करता है तो उसको बड़े पत्थर मार के फिर अंदर भगा दिया जाता है. कहा ये कौन है? कहा ये आपकी उम्मत का सूद खाने वाला आदमी है, इंटरेस्ट खाने वाला, ब्याज खाने वाला, सूद खोरी के धंधे करने वाला, ये वो शख्स है. तो सूद और इंटरेस्ट और ब्याज वालों के लिए भी सजा को बतलाया इस मौके पर, मेराज के मौके पर देखा. इसी तरीके से देखा है जिब्राइल अमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि कुछ लोग हैं
سب زمین کو کھودتے ہیں دانہ ڈالتے ہیں فوراً کھیتی اگاتے ہیں اس کو کاٹ لیتے ہیں کہا یہ کیا ماجرا ہے کہا یہ اللہ والے لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ جیسے دانہ ڈالے اور دس مرتبہ زمین اگائے یہ ایک نیکی کرتے ہیں دس نیکی ان کو ثواب ملتا ہے یہ اللہ رب العزت اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑا اپنے بدن کے اوپر مختصر سا کپڑا پہنے ہوئے ہیں مختصر سے شرمگاہ چھپائی ہوئے اور اسی طریقے سے وہ کانٹے دار درخت جس کو ذری اور زکوم کہا جاتا ہے وہ کانٹے دار درخت کھا رہے ہیں کہا یہ کون ہے کہا یہ آپ کی امت کے زکات روکنے والے لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے تھے جن کو زکات بڑی بھاری پڑتی تھی زکات کو لوگ بہت بھاری بار مرتبہ سمجھتے ہیں کچھ تو خوش نصیب ہے کہ چلو اللہ کا احسان ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں اور برابر سے گن گن کر وہ دیتے ہیں الحمدللہ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو زکات کو بوجھ سمجھتے کہ ایک تو ٹیکس کی طرح ہو گیا یہ ٹیکس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مالداروں کے ذریعے سے غریبوں کو پالنے کا ایک طریقہ رکھا ہے حالانکہ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو بھی ڈائریکٹ اور براہ راست دے سکتے تھے لیکن یہ کر کے دونوں میں محبت کروانی تھی کہ غریب پیسے لے کے شکریہ ادا کرے گا اور مالدار جب دے گا تو دونوں میں محبت قائم پیدا ہوگی کہ مالدار پیسے دے گا تو غریب اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا جب بھی وہ غریب کو کام کے لیے بلائے گا تب حاضر ہو جاوے گا تو ایک تو یہ کہ مالدار کو ثواب بھی دلانا تھا حدیث پاک میں آتا ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا تنصرون بضعفائکم او ترزقون بضعفائکم اے مالدارو جو تمہاری مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے مال اللہ تعالیٰ جیسے مالداروں کے دینے پر قادر ہے مالداروں کو جس طریقے سے اللہ مال پہنچا سکتے ہیں ایسے ہی اللہ جن کو غریب رکھا ہے ان کو بھی تو دے سکتے تھے پروردگار عالم اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ تو قادر مطلق ہے وہ قادر قیوم ہے دیکھیں نا یہ ورثے کا نظام کیسا بنایا کہ ماں باپ کا مال ہے اب ماں باپ اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں ہو سکتا تھا کہ خاندان میں ایک زبردست ایسا ہوتا کہ وہ مال پر قبضہ کر لیتا لیکن ورثے کے قانون بنا اور اس قانون کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھ دی اب یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو بھائی بہنوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے کہ کیسا ڈر ڈال دیا ہے کہ ورثہ تقسیم ہو رہا اور سب کے پاس جا بھی رہا ہے حالانکہ قانون ہونے کے باوجود کچھ لوگ ظلم کرتے بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کیسا عجیب نظام ہے اور لوگ لینے دینے میں برابر خوش ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو کاروبار دے سکتے تھے وہ سمجھے کہ ہم نے تو ہمارے کاروبار سے کمایا ہے ارے اللہ کے بندے یہ کاروبار کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غریب کو بھی بنا سکتا تھا تو بھی تو کچھ لے کر نہیں آیا تھا اللہ نے تجھے بنایا ہے تو سمجھ لے کہ تنصرون بضعفائکم وترزقون بضعفائکم او مالدارو تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے تاکہ تم کو ثواب ملے وہ تمہارا کام کریں گے تم ان کے کام پیسوں کے ذریعے سے نکال دو دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت اور اتفاق کے لیے مال کا یہ معاملہ رکھا ہے بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ یہ جو مار کھا رہے ہیں کہ جو مختصر سے شرمگاہ کو چھپائے کانٹے دار جھاڑ کھا رہے ہیں درخت کھا رہے ہیں کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات چوری کرتے تھے زکات ادا نہیں کرتے تھے زکات کو بوجھ سمجھتے تھے یہ وہ لوگ ہیں پھر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ہانڈی ہے جس میں اچھا اور عمدہ گوشت اور کھانا پکا ہوا ہے اور دوسری ہانڈی ہے کہ جس میں سڑا ہوا بدبودار کھانا پڑا ہوا ہے تو وہ اچھے کھانے کو چھوڑ کر وہ بدبودار کھانا کھا رہے ہیں کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ اچھا خاصا ان کے پاس بہترین عمدہ قسم کا کھانا اس کو چھوڑ کر وہ غلط جو سڑا ہوا ہے وہ کھاتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے زانی حرام خور لوگ ہیں حرام کاری کرنے والے زینا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں کہ یہ وہ مرد ہے کہ جن کے پاس حلال بیبیاں تھیں اس کے باوجود یہ رات کسی اور حرام بیبی کے پاس حرام عورت کے پاس گزارتے تھے حرام کاری کرتے تھے
ये हराम और वो औरतें हैं इसके अंदर, वो औरतें हैं कि जिनके पास शौहर था ख्वाहिश पूरी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी ख्वाहिश किसी नामहरम किसी गैर महरम मर्द से गैर मर्द से ये करवाती थी। उस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये सजा दी है कि गोया कयामत के दिन सबके सामने पता चल जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमारी पूरी जिल्लती और रुसवाई से हिफाजत फरमाए। मैदान महशर की जिल्लती और मैदान महशर की रुसवाई बड़ी खतरनाक होगी। अल्लाह से पना मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपनी पना में रखे। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे हालात देखते हुए, हत्ता कि अल्लाह के नबी ने ऐसा भी देखा कि कुछ लोग है कि कैंची से उनकी जबानें काटी जाती है, फिर उनकी जबान बराबर हो जाती है, फिर उनकी जबानें काटी जाती है। कहा ये कौन है? कहा ये आपकी उम्मत के वो तकरीर करने वाले लोग हैं कि जो लोगों से तो कहते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। लिमा तकूलून माला तफालून, लोगों को कहते हैं खुद उसके ऊपर अमल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए हमें। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि दुआ कीजिए कि अल्लाह वो बातें कहलवा दे जिसके अंदर मेरी और आपकी हिदायत हो और अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ऐसी बातों से हिफाजत फरमाए कि जो बातों के अमल हमारी जिंदगी में न हो, और न हो तो अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो जिस तरीके से आप हजरात हमसे दुआओं के लिए कहते रहते हैं, हम भी आपसे दुआ के लिए कह रहे हैं कि हम भी उतने ही अमल के मोहताज है, हम भी उतने ही दुआओं के मोहताज है। हमारे और अहले आयाल के लिए दुआ ये भी करते रहिए कि अल्लाह अमाल और ईमान की दौलत से कभी महरूम न फरमाए, आमाल और ईमान बनाकर बचाकर ले जाने की तौफीक अता फरमाए। इस हाल में जाए दुनिया से जाए कि अल्लाह तबारक ता हमारे कुछ आमाल भी हो और ईमान सलामत हो, तो बेड़ा पार है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा देखा, सवारी को लेकर चले, तेज रफ्तार सवारी बैतुल मक़दिस पहुंचे और जहां पर हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सवारी को बांधा जाता था वहीं पर जिब्राइल अमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को भी बांधा। कहते हैं कि एक मर्तबा एक बादशाह के जब तस्किरा चल रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं कहते हैं कि मैंने एक रात के अंदर सुबह से शाम तक रात ही रात के अंदर मैंने तो मेराज का सफर किया, सातों आसमान पर गया, बैतुल मक़दिस मक्का से पहुंचा और फिर वहां से सीढ़ी के जरिए से गया। तो सब लोग कहने लगे कैसे हो सकता है? तो बादशाह के एक खादिम था एलिया नामी, उसने कहा कि उस रात से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं, जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए उस रात से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूं। कहा कि तुम कैसे वाकिफ? तुमने कुछ देखा? कहा कि मैं बैतुल मक़दिस के दरवाजे ईशा की नमाज के बाद रात को बंद करने के ऊपर मामूर था, मुझे आदत थी कि मैं दरवाजे बंद करके निकलता। एक दिन जब मैं दरवाजा बंद करने के लिए गया तो दरवाजा बंद नहीं हो रहा था मुझसे, दरवाजा पर मैं बहुत परेशान हूं। मैंने सुथार कारपेंटर को बुलाया, बढ़ई को बुलाया मैंने कि इसके जरिए से दरवाजे को बराबर करूं, वो भी आया सब कुछ किया। उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, मैं समझ गया कि आज मामला कुछ और है, क्योंकि वो पत्थर जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम सुराख करके अपनी सवारी को बांधते थे, मैंने उसमें वो तो बंद सुराख था, मैंने उसमें सुराख भी देखा, मेरी नजरें उसको नहीं देख सकती थी ये सारे वाकयात को, लेकिन मैंने वो सुराख देखा, दरवाजा था जो बंद नहीं हुआ। मैं चला आया कि देख ली जाएगी, सुबह के अंदर देखेंगे, सुबह के अंदर आके बराबर करूंगा। मैं सुबह में आया, बंद किया दरवाजे को, आराम से बंद हो गया। कहा समझ गया कि वो उसके ऊपर गोया कोई बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें आई थी और ऐसी गोया कोई चीज थी मलाइका थे कि इमारत के ऊपर बोझ पड़ गया था जिससे दरवाजा फिट हो गया था, वो सारे रुखसत हो गए तब दरवाजा खुल गया। तो कहा कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा था जिससे पता चल गया कि कोई नबी यहां पर आए थे और वो नबी हमेशा अल्लाह ताला की आदत रही कि अंबिया को यहां बुलाता है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस पहुंचे, अजान देने वाले ने अजान दी, सफे कायम हो गई। सफे किसकी है? हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम और मलाइकतुल्लाह। फरिश्ते जिब्राइल से पूछ रहे कि ये कौन है? कहा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का बुलाए गए, दावत दी गई इनको? कहा कि जी हाँ दावत दी गई है। बहुत खुश हो गए तमाम मलाइका और फरिश्ते और हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सफे लगी है। ये नमाज कौन सी पढ़ाई नमाज? कहा कि ये फर्ज नमाज की जमात नहीं थी बल्कि ये नफल नमाज की जमात थी, क्योंकि फर्ज का तो वक्त था नहीं,
जो आधी रात का वक्त है, ईशा के बाद का वक्त है, फजर से पहले पहले का वक्त है, इसलिए नफल की इमामत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तमाम लोग खड़े हुए हैं यानी हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम, सब कौन इमामत करेगा, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कौन इमामत करेगा। लेकिन जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आपको आगे किया कि आप इमामत फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे। इमामत के बाद पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानते हो आपने किसकी इमामत की है, आपने किसको नमाज पढ़ाई है? कहा कि मैं पता नहीं। कहा ये हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तमाम नबियों की इमामत की। अब वो नबी किस तरीके से आए, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने पर कादिर है, अल्लाह ताला उनकी सूरतों की मिसाल और उनकी रूह को ला। बादों ने ये भी कहा कि वो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की रूह, वो तो अल्लाह ताला के खजाने में है, अल्लाह ताला ने उनकी रूहों को शक्ल दी थी जिससे वो लोग वहां पर आ गए थे। बहरहाल अल्लाह की कुदरत से एक मुसलमान को यह सवाल नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखे। इसीलिए यह सफर की जो इब्तिदा बयान की है कुरान पाक में, बड़े अजीब अंदाज में बयान किए, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दी, ये वाकये मेराज को जो बयान किया कुरान में, तो सबसे पहला जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो सुबहान का लफ्ज इस्तेमाल किया। सुबहान किसको कहते हैं, सीन बा और हा, ये जिस में आवे, जिस वर्ड और जिस जुमले में, तो उसको कहा जाता है कि ऐसी पाकी जिसमें कोई ऐब ना हो, तमाम खूबियों का मालिक हो, उसमें कोई ऐब ना हो। तो सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात के जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रातों रात जो मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम की तरफ ले चला। तो अल्लाह कादिर कय्यूम है, अल्लाह कादिर मुतलक है, बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और वो भी कैसा पैदा किया, ये मिट्टी जिससे बच्चे खेला करते हैं वो मिट्टी को जमा करके मुजस्समा बनाया, और उस मिट्टी के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया बारी ताला ने। अल्लाह ताला की कुदरत के वही आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया, ये क्या कुदरत नहीं अल्लाह ताला की। एक माँ के बगैर, बाप के बगैर, माँ के पेट से माँ बाप के मुलाकात किए बगैर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किए। और यहां पर देखिए, हर इंसान देखे कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारी पैदाइश को जो बयान किया है वो काहे से बयान किया, एक नापाक गंदे कतरे से, बिसाहिंदे कतरे से, छोटा सा एक कतरा। क्या उस कतरे से आप इंसान, ये सारे टेक्नोलॉजी वाले हो गए, मशीनरी वाले हो गए, क्या सारे मशीन लेके बैठ जाए तो वो बना सकते हैं, वो पैदा कर सकते हैं? इससे कौन है पैदा करने वाला कि जिसने एक गंदे कतरे से इतना खूबसूरत इंसान पैदा किया है? कैसा खूबसूरत इंसान पैदा किया, फिर इस इंसान के लिए खाने के लिए दुनिया में कैसी कैसी चीजें रखी, इंसान को कैसी अकल दी, कैसे मकानात बना रहा है। अल्लाह तबारक ताला दुनिया में अभी भी कितने काम ऐसे हैं कि जिसमें इंसान के ताउन और मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हवाओं का चलना, बारिश का बहना और पानी का ऊपर से आना, क्या इंसान इसमें कुछ दखलगिरी करता है? तो अल्लाह ताला की कुदरत कैसी कुदरत है, कैसी ताकतों के मालिक है परवरदिगार। इंसान अगर दुनिया के ऊपर नजर डाले, अल्लाह तबारक ताला की कुदरत और अल्लाह तबारक ताला की ताकत समझ में आएगी। जो अल्लाह इतने भारी भरकम प्लेन को उठाता है, इंसान कहता है मैं चलाता हूं, अरे बेवकूफ तू चलाता, तेरी ताकत लगती तो कभी गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कभी कभी जो गिर जाता है, अल्लाह तबारक ताला तुझे लेसन दे रहे, तुझे सबक दे रहे कि तेरे हाथ में था तो तूने बचा क्यों नहीं लिया, ये मेरी कुदरत का करिश्मा है। इंसान रॉकेट बनाता है, कितना तेजी और स्पीड वाला होता है और वो कितना ऊपर उड़ता है, और अभी जो प्लेन बना है 850 पैसेंजर लेकर उड़ता है, उन सब का सामान, उन सब का खाना, और फिर ये कि हवा में तैर रहा है, जहां उतरना वो उतरता भी है, हजारों फुट ऊपर है, ऊपर से नजर कैसे आता है उसको कि मेरे उतरने की जगह आ गई है कंप्यूटर के जरिए से। ये कंप्यूटर बनाने की अकल किसने दी है, ऐसी कुदरत किसने, ये पहले के लोगों के पास क्यों नहीं आए, बाद में क्यों आए? अल्लाह तबारक ताला ये सारी चीजें अपनी कुदरत का करिश्मा बतलाते हैं कि बंदे देख मेरी कुदरत के करिश्मे, देख मेरी कुदरत का कायल हो। ये सारी टेक्नोलॉजी और मशीनरी को देखकर आपे से बाहर मत हो जा, पागल मत हो जा कि मैंने कैसा किया, बल्कि ये सोच मेरी ताकत कैसी, मेरी कुदरत कैसी है। बगैर पायलट के रॉकेट छोड़ता है, बगैर पायलट के प्लेन चलाता है तो
तो गोया उसमें कौन है, चलाने वाला कौन है? कहते हैं कि कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर से चलता है। अरे भाई, चलाने वाली जात अल्लाह की है, वो जब चाहे तब गिरा सकता है, वो जब चाहे तब उठा सकता है। तो इंसान इन सारी चीजों को देखे कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला, अब दो फोन है हाथ में, दो के डब्बे, एक इधर बैठा हुआ है, एक कहीं बीसियों मील हजारों माइल दूर बैठा हुआ है, इधर से नंबर लगा दिए। हवा, हवा किसने पैदा की थी? जिस हवा के जरिए से तुम फोन पर बातें कर रहे हो, मोबाइल सेलफोन पर बातें करो, कैसी कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह ने हवा नहीं बनाई होती तो तुम किस तरीके से बात करते? कभी कभी तुम्हारा रिसेप्शन कार्ड देते हैं और बातचीत नहीं होती, तुम लाख कोशिश कर रहे हो, वो कहते हैं कि अभी जो है रिसेप्शन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए फोन नहीं लग रहा है उसके अंदर। अल्लाह तबारक व तआला बतलाते हैं कि तेरी टेक्नोलॉजी पर जो नाज हो गया है ना कि मैंने चलाया, कहा कि रिसेप्शन तो मेरे हाथ में, मैं कार्ड देता हूं, ले बात करके दिखा दे। हाँ, बात करके दिखा दे। अल्लाह अपनी कुदरत को बतलाते कि मेरी, मैं कुदरत का मालिक हूं। अल्लाह पाक और बेऐब है, वो अपने नबी को ले जाने की ताकत रखते हैं। उस अल्लाह तबारक व तआला ने गोया नबी को बैतुल मक़दिस पहुंचाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सीढ़ी लाई जा रही है, लेकिन बैतुल मक़दिस के अंदर कुछ नबियों ने हुजूर के सामने अल्लाह की तारीफ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम का इस्तकबाल किया, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिन्होंने कहा बेटे तेरा आना मुबारक हो, हजरत दाऊद है, हजरत सुलेमान, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत इदरीस, दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां खड़े रहे। फिर आखिर में उन सब का शुक्रिया अदा किया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी है, आका ने फिर सबका शुक्रिया अदा किया और कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उस अल्लाह ने मुझे कुरान दिया, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो शरीयत दी जो तमाम तुम लोगों की शरीयत के ऊपर हावी है, अल्लाह ने मुझे बेशुमार फजीलतों से नवाजा है। ये बातें कह रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम नबियों से ये कहा, हाँ यही वो बात है जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर फौकियत ले गए हैं, हम सब के ऊपर गालिब आ गए। सब ने रुखसत किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सीढ़ी लाई गई, वहां पर जीना और दादर लाई गई। किस किस्म की थी वो कोई तस्किरा नहीं है, बस चंद लम्हों के अंदर वो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ऊपर ले गई, आसमानों में दाखिल हो गई। आसमान, पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया, बंद था, कहा कौन है? तो जिब्राइल ने अपना नाम दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मलाइका और फरिश्ते पूछते क्या बुलाए गए हैं, दावत दी गई है? कहा जी हाँ। तो दरवाजा खोल दिया, कहा आना मुबारक हो आपका। ऐसे ही सातों सात आसमान के ऊपर हुआ, तमाम फरिश्तों ने इस्तकबाल और वेलकम किया आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। पहले आसमान पर मुलाकात होती है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, दूसरे आसमान के ऊपर मुलाकात हुई हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात पहले जो आसमान पर भी, वो तो इसलिए हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो बाप है, सारे इंसानों के बाप है, गोया दुनिया उनसे कायम हुई है, उनके उनसे चली है दुनिया, और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया बाप है, इसलिए हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिजरत करनी पड़ी जन्नत से दुनिया के अंदर आए, मुलाकात करके इशारा कर दिया कि गोया बाप को भी हिजरत करनी पड़ेगी। हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात भी हिजरत की तरफ भी इशारा, कौम के सताने और तकलीफ पहुंचाने की तरफ इशारा है। और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के लोगों ने मारा है, सर के ऊपर आरा चलाया है, दो टुकड़े कर दिए हजरत यहया अलैहिस्सलाम के। और ईसा और यहया ये दोनों खलेरे भाई आपस में, खालाजाद भाई, ये दोनों पैगंबर, हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं, खाला के लड़के, दोनों मासी के लड़के होते हैं। तो गोया ये मोहब्बत थी कि हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा हम भी चलते हैं आपके साथ मुलाकात के लिए, तो वो भी गोया मुलाकात के लिए आ गए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी तरीके से तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर उनको मुबारकबादी दी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जो जमाल था, जो खूबसूरती थी, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सदका था। मैंने बतलाया था आपको इससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए एक नूर पैदा किया था, अलग से एक नूर बनाया था, नूर के चार हिस्से किए थे,
तीन हिस्से अलग रख दीजिए, अभी सिर्फ वो एक चौथा हिस्सा वन फोर्थ उसको ले लीजिए, वन फोर्थ जो है वो चौथा हिस्सा उसके दो टुकड़े किए, उसको आधा आधा किया गया, आधा हजरत यूसुफ को दिया गया और आधा पूरी दुनिया को दे दिया गया। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया को जो आका के पाव हिस्से का आधा हिस्सा दिया गया है उससे ये सारे हैंडसम है और खूबसूरत है, और कोई मिस फना है और कोई मिस्टर फना है, वहां का खूबसूरत और यहाँ की खूबसूरत है, और वो इतराते फिरते हैं, हालांकि वो खूबसूरती हजरत मेकअप की मेहरबानी है सारी। हाँ, सारा कमाल हजरत क्रीम पाउडर का है, वो इसीलिए तो कहते हैं कि मसालों का नाम, मसालों का काम और बड़ी बहू का नाम। मसाले डाल डाल कर टेस्टी खाना बनाया और बड़ी बहू को शाबाशी मिल गई कि खाना बहुत अच्छा बनाया, ये तो सारा मसाले का करिश्मा है। खैर, उसका भी करिश्मा है कि वक्त पर मसाला डाला, अगर वक्त पर ना डालती तो फिर मुसीबत हो जाती, और कोई मसाला ज्यादा डाल देती तो फिर होता किया। हाँ, ये भी बदला लेना चाहते तो डाल ले सकती है कि मिर्चें ज्यादा डाल दे तो फिर सबको हा हू करते कर दे। हुआ होगा ना रमजान में कभी समोसा भजिया खाने के अंदर कैसे कैसे हालात से गुजरना हुआ होगा। बहरहाल, हजरत यूसुफ अली सलाम का हुस्न का अंदाजा लगा लीजिए कि सारी दुनिया के पास जो खूबसूरती है वो एक तरफ मिला दो, वो खूबसूरती और हजरत यूसुफ अली सलाम की खूबसूरती बराबर ठहरेगी, और सब खूबसूरत नाज काहे पर करते हो, ये सब खूबसूरती तो सदका है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हसीन और जमील होंगे, इसीलिए तो लिखा है कि आपके जमाल पर पर्दा डाल दिया था अल्लाह ताला ने, वरना ओरिजिनल पब्लिक देख लेती तो कोई जी नहीं सकता, सब मर जाते। जैसे सूरज को कोई नहीं देख सकता, वैसे आका के हुस्न जमाल को देख नहीं सकते। हजरत सहाबा का तालीम हासिल करना मुश्किल हो जाता, पर्दे डाल दिए थे अल्लाह ताला ने, वो अजीब किस्म के पर्दे, यानी ये नहीं कि जैसे हमारे यहां कर्टन डाले जाते वो कर्टन नहीं, वो अल्लाह ताला के एक लतीफ और बारीक ऐसे आड़ डाल दी थी कि जो छन छन कर जो चीजें आती थी, वरना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का असली हुस्न जमाल होता और लोग देख लेते तो बेहोश हो जाते, चीखे मार देते। फिर हजरत सहाबा ने ताबीईन को जब हुजूर की खूबसूरती सुनाई, ताबीईन का दौर जिन्होंने सहाबा को देखा वो ताबीई है, जब ये सहाबा ने वो ताबीई को सुनाया कि हुजूर ऐसे खूबसूरत थे, तो ये सुनाने सुनाने में उन्होंने जान दे दी चीखे मारकर। ये आलम था मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का। हम कौन सी खूबसूरती पर नाज करें, इसीलिए कहते जरा खूबसूरती के वाकयात को पढ़िए, सीरतों की किताबों को घर में लाइए, जगा दीजिए अपने उलमा से मशवरे करके कि भाई सीरत किसको कहते, कहां पढ़ने को मिलेगी, हुजूर का जमाल और खूबसूरती कहां मिलेगी। किताबों को पढ़िए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी खूबसूरत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत जिंदगी को घर में पढ़ने की आदत डालो, बीवी बच्चों को सुनाने की आदत डालो, इसलाह करने की जरूरत ना पड़ेगी, खुद ब खुद इसलाह होती चली जाएगी। और इनको पता चले कि हम किस नबी की उम्मत में हैं, हमारे नबी कैसे थे, हमारे नबी कैसे हसीन, कैसे खूबसूरत, कितने अच्छी आदत वाले, कितने अच्छे कैरेक्टर वाले। हम अपने बच्चों को ये नहीं सुनाते, हम अपने बच्चों को इसके लिए कभी भी तरगीब नहीं देते। ये किसने कह दिया कि बच्चे आजाद है नहीं सुनते, ये सब सुन सुनकर भी दिमाग खराब होता है। हम सुनाए तो सही कभी बच्चों को, लेकर बैठो तो सही, फिर शिकवे करें तो बात समझ में आती है। हम कौन से दिन लेकर बैठते हैं बच्चों को, कब हमने कहा। इसलिए मैं नहीं कहता कि, मैं ये नहीं कहता कि भाई बच्चे कसूरवान नहीं, आप ही कसूरवान नहीं, कसूर जानेबेन से, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा कसूर है, सबसे बड़ा कसूर हमारा, मानना पड़ेगा ये हमें, कि जितना वक्त औलाद को देना चाहिए था, उनको जितना सुनाना चाहिए था, हमने नहीं सुनाया है, हमने उन पर गुस्सा ही किया है, हमने इनको गालियां ही दी, हमने इनको धुतकारा ही है हमने, या तो फिर इतना पागल बन गए कि खूब दुनिया दे दी, खूब दुनिया दे दी, पीछे फिर के भी नहीं देखा हमने, ये पार या तो वो पार, ये भी देना था वो भी इनको देना था, दीन की फिक्र नहीं की। बल्कि दीन की फिक्र करने की जब बातें की जाती है तो लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। आप बतलाइए कि हमारे घर में, हम मुसलमान लोग बैठे हुए, कितनी इस्लामी किताबें हमारे घर में, कुरान करीम कितने हमारे घरों में, हमारे घरों में कुरान करीम के नुस्खे तो मिल जाएंगे। क्या मेरे और आपके घरों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई किताब है, हमने अपनी जिंदगी में सीरत की कोई किताब पढ़ी है हमने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका, आदतें तैयबा, खाने पीने उठने बैठने, जबकि मेरा और आपका सबका ये दावा है
कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है, कौन सी लाइन दुनिया में ऐसी है कि जिस पर हमारे नबी ने हमारी रहनुमाई न फरमाई हो। बतलाइए, खाने का तरीका बतला, पीने का तरीका बतला, टॉयलेट का तरीका बतलाया, बाथरूम का तरीका बतलाया, मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात को बतलाया, बिजनेस और तिजारत, कौन सी चीज है आप लाइए ना, खड़े हो के आप बोलो कौन सी चीज है, आप सोचो अपने दिमाग में और आप उसको रखिए किताबों के सामने। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी जिसको हमारे नबी ने न बतलाया। फिर क्या हो गया हम लोगों को कि इतना सब जानने के बावजूद हम नबी की वो किताबें घरों में लाने के लिए तैयार नहीं है। ये अहद करके उठे कि इंशाल्लाह किताबें लाएंगे और अपने रोजाना रोजाना मैं आपसे कहता हूं कि 3 मिनट रोजाना की 3 मिनट अपने ये उस किताब को पढ़ने के लिए बनाइए। आप एक डायरी होनी चाहिए कि पढ़ के जो पसंद आया उसके अंदर लिख लो, सिर्फ 3 मिनट। तबीयत नहीं उगता है, आप अपना नफ्स कहेगा भाई रोजाना पढ़ते हैं आज क्या पढ़ना, भाई ठीक है 3 मिनट पढ़ना है मुझे, तो नफ्स को जरा ये जो हमारी तबीयत है ना अंदर से जो बोलता है कि आज तो बहुत थक गया, नमाज नहीं पढ़ना, आज वुजू नहीं करना, इसको जरा धोखा देना पड़ता है। हाँ, अल्लामा डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गोया एक दिन रात को उठे तहज्जुद के लिए तो नफ्स कहता है कि आज तो जरा बुखार है, सर में दर्द है, फ्लू हो गया है, आज काहे को पढ़ता है, आज सोता रहे, रोजाना तो तू पढ़ता है ना तहज्जुद, तो कहते कब आंख तो खुल गई, अपने नफ्स को कह रहे अपनी तबीयत को, आंख तो खुल ही गई है अब और रोजाना का वक्त भी है, तो चलो ठीक हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, जरा दुआ तो मांग ले ना, तो अब नफ्स को फुसला है, तो नफ्स तो चल ठीक है दुआ मांग ले, अब सोते सोते मांग रहे, कह रहे अच्छा नहीं लगता अल्लाह से मांगना और वो भी सोते सोते मांगे, तो जरा बिस्तर पर बैठ जाऊं तो कैसा है, मां बैठकर मांगना चाहिए, ठीक है चल टेक लगा के बैठ जाओ और आराम से दुआएं कर। अब दुआ मांग रहे बैठकर, तो कहा अल्लाह के बंदे बड़ी शर्म आती है कि हम बिस्तर पर जिस पर सोते हैं हमारा बिस्तर तो गंदा भी होता है, इस पर बैठ के दुआएं मांगे, वो जानमाज और मुसल्ला इसकी तो जगह है, लिहाजा वो बिछाना चाहे, तो उसने कहा चल आ जा। अब ये मुसल्ले उसको धोखा दे रहे, देखिए कैसे पटा रहे, ला उसको मुसल्ले के ऊपर, अब मुसल्ले पर बैठे थोड़ी देर हुई और कहते हैं यार इस पर तो रोजाना वजू करके हम खड़े रहते हैं, हाँ और इधर इस्तिंजा भी लगा, टॉयलेट में भी जाने का तरीका हुआ, तो क्या करें, जरा पहले टॉयलेट से फारिग हो जाए फिर फ्रेश होकर आकर मैं ये करता हूं, उसको वजू का नहीं वजू मत करना वरना सर्दी लग जाएगी बुखार बढ़ जाएगा, तो कह नहीं नहीं सब बुखार वो ये वजू नहीं करना सिर्फ टॉयलेट जाकर आते हैं, तो कहा चल अब टॉयलेट और बाथरूम एक ही या पड़ोस पड़ोस में दोनों, तो टॉयलेट से फारिग हुए और नफ्स कहता चल 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 बिस्तर पे चलते थे, घुस गए जल्दी से वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके वजू शुरू कर दिया। अब वजू करके आए तो नफ्स अंदर से कह रहा धोखेबाज है, देख मुझे बुखार हो गया, देख मुझे सर्दी हो गई और तूने ना कहा था कि वजू नहीं करूंगा, वजू कर लिया, बेवकूफ है चल सो जा जल्दी, अब करके नहीं तो तबीयत ज्यादा खराब होगी। अब वो बिस्तर के करीब आ रहे, जब मुसल्ले के करीब पहुंचे तो कुछ सोचने का मौका मिले, उससे पहले कहा अल्लाहू अकबर, अब कितने ख्याल लाता लाया कर, अब तक जो शुरू कर दी। तो ये नफ्स जो है ना, हम रोजाना का निजाम बनाया कुरान की तिलावत का, किताब के लिए पढ़ने का, नफ्स कहेगा रोजाना तो पढ़ते हैं ना बात छोड़ दो, तो उसको आपको बहका ये करना पड़ेगा कि 3 मिनट तो है ज्यादा किया है, तो फिर आप बाद में जब बहुत ज्यादा मुताले और स्टडी के आदि बन जाए, पढ़ने के आदि बन जाए, फिर अपने वक्त तो बढ़ाते चले, तो 3 मिनट आप पढ़ें अपने घर के अंदर, बच्चों को लेकर बैठे, भाई खाने के बाद लोगों को फ्रूट खाने की आदत होती है, मीठा खाने की आदत होती है, बहुत अच्छी बात है, काबिले मुबारकबाद है, अपने बच्चों को अपने खर्चे में से कुछ बचा कर लाइए ऐसी चीजें कि जो बच्चों के साथ बैठकर खा सके। जी हम लोग सब रात में बैठकर खाएंगे, जब तालीम होगी हमारी 2-3 मिनट पढ़ेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट, वो 5-5, 10-10 मिनट, 15 मिनट की तालीम मत करो, सिर्फ 3-3 मिनट की तालीम करो, आ जाओ बेटा सब बैठ जाओ, और बच्चों को पढ़ने के लिए दे दो कि आज तुम पढ़ेंगे, आज तुम पढ़ेंगे, एक के पास पढ़वाओ एक के पास दुआएं करवाओ, ये तरीका होता है। एक बच्चे को किताब दी, लो बेटा तुम किताब पढ़ो, एक ने किताब पढ़ ली, कहा चलो तुम दुआएं करो हम आमीन कहते हैं, वो गो हो गई, बस 2-3 मिनट की बात हुई, अब उसके बाद वो जरा बैठ के खा लिया, दिन भर की क्या कैफियत है, क्या हकीकत है, बच्चे माँ बाप से करीब होंगे, वो मिलेंगे, उनको कुछ बातें करने को जी चाहेगा कि अपने माँ बाप से हम कैसे बात करें। तो उलमा से बुजुर्गों से बड़ों से पूछो जो जमाना खाए हुए लोग हैं कि किस तरीके से बच्चों की तरबियत की जाए। खैर ये दरमियान में बात आ गई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज की बात कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई, चौथे आसमान के ऊपर मुलाकात हजरत इदरीस अलैहि सलाम से भी, सबसे पहले दुनिया में लिखने का रिवाज हजरत इदरीस अलैहि सलाम ने डाला है, ये जो अदद बना है 1, 2, 1, 2, 3 ये सारे जो बनाए हिसाब मैथ, ये अगर किसी ने बनाया तो किसने बनाया,
अगर आप स्कूलों में जाएंगे तो किसी कर्नल और किसी जनरल का नाम आएगा, किसी लॉर्ड का नाम आएगा, लेकिन वही इलाही की रोशनी के बगैर नहीं हो सकता। ये काम सबसे पहले हिसाब को जन्म दिया है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सबसे पहले खत लिखने का रिवाज, मजमून और टॉपिक निगारी, ये अगर बनाने की सबसे पहले किसी ने शुरुआत फरमाई तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। तो इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात इसलिए भी है कि आप शाहान बादशाहों को खत लिखने वाले थे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसलिए इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उससे ऊपर गए पांचवें पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और छठे आसमान के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान के ऊपर पहुंचे तो देखा एक बड़े मियां बैठे हुए हैं, बुजुर्ग शख्सियत बैठी हुई है, और वो जहां बैठे हुए थे वो जगह है कि अगर वो जगह का हिस्सा गिरे तो दुनिया में सीधा काबा शरीफ के ऊपर गिरे, और वो जो है उसकी सीध में ऊपर फरिश्तों का काबा है जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, उसकी दीवार से टेक लगाकर बैठे थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा शरीफ की तामीर की थी, इसलिए काबा शरीफ की सीध में ऊपर बिठाया, और आखिर में उनसे मुलाकात हुई। और कहते हैं यह भी आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब मुलाकात हुई तो देखा उनके करीब छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, कहा ये क्या है, तो कहा कि जिब्राइल ने यह आपकी उम्मत के वो बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले पहले मर गए थे, इंतकाल हो गया था, कुरान पाक खत्म न कर पाए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कुरान पढ़ा रहे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको कुरान सिखा रहे। तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, और फिर सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा बेरी का दरख्त है, बेर का, बोर का एक झाड़ है, दुनिया से जो कुछ जाता है वो वहां जाता है। फिर वहां से फरिश्ते ऊपर वाले उठा लेते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे नहीं आ सकते, नीचे वाले फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते, ये कोई अजीब चीज है कि यहां पर रख दो, यहां से ऊपर वाले फरिश्ते उठा लेते हैं। जिब्राइल ने आपको छोड़ दिया, मेरा सफर खत्म हो गया, अब आप अकेले जाएंगे। कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा के ऊपर तमाम फरिश्ते, अजीब हालत के खूबसूरत रंग बिरंगी पत्ते, रंग बिरंगी चीजें नजर आ रही थी। कहा असल में फरिश्तों ने अल्लाह ताला से ये दरख्वास्त की कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आएंगे और हम उन्हें देख न सकेंगे, हमें तो उनको देखना है, हमें कोई ऐसा मौका दे। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया, सब पतिंगे बन गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते ना ऐसे, और वो बेरी के दरख्त के ऊपर हो गए, और वहां से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबने देखा है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊपर गए, जन्नत जहन्नम को देखा, अर्शो कुर्सी को देखा, शरीफुल अकलाम जहां तकदीरें लिखी जाती थी वो भी देखी जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। सब देखने के बाद फिर कहते हैं अल्लाह ताला का नूर देखा, अजीम नूर जिसको कहते हैं नूर आजम, वो भी मैंने देखा। और फिर डायरेक्ट बराह रास्त, दरमियान में कोई आड़ नहीं है, कोई हिजाब नहीं है, अल्लाह ताला से मुलाकात। मुझे और आपको यह अकीदा रखना है, हमारा यह अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा, अपने बदन की आंखों से देखा, इसी बदन मुबारक से सामने सामने देखा, कोई आड़ नहीं थी। बाद लोग जैसा कहते कि ख्वाब में देखा, ना ख्वाब में नहीं, बिल्कुल जागते हुए मैं देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या पर्दे थे दरमियान में, ना पर्दे भी नहीं थे। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि बिल्कुल बराह रास्त सामने सामने देखा है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ताला ने खुसूसी इनाम से नवाजा आका को, क्या इनाम दिया, सूरह बकरा की आखिरी आयतें, सूरह बकरा की आखिरी आयतें खजाने खास से मिली है, और फरिश्ता लेकर नहीं आया इसकी वही, जब मेराज में गए तो अल्लाह ने बराह रास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमाया, 50 नमाजों का तोहफा दिया। जब वापस लेकर आने तो आप जानते, बारह सुना आपने कि मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए, पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, छठे आसमान पर इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम मिले, कहा मुझे तजर्बा है, उम्मत को बोझ पड़ेगा, जरा कम करवा दो। तो गोया बार बार जाते रहे, पांच पांच कम होती रही, जब पांच लेकर आ रहे थे कहा अभी भी जाओ, ये पांच ये कामों में दुनिया में मशगूल ऐसे हो जाएंगे, मुझे तो उम्मत चलाने का तजर्बा है। तो कहा आप तो शर्म आती है, अब तक पांच पांच ले ली और 45 कम हो गए, पांच रह गई, अब जाओ तो डर लगता है कि कहीं पूरी पांच न ले ले, मैं अब बस यही लेकर जाऊंगा। जब लेकर जा रहे तो ऐलान हो रहा है वहां से कि हमने तो 50 दी थी पहले, लेकिन आपके लिए कहकर हमने पांच करवा दी, लेकिन हमारी बातों के अंदर फर्क नहीं आया करता, पढ़वाएंगे पांच, सवाब तो 50 का देंगे, सवाब तो 50 ही का मिलता है। अब 50 और फिर रमजान के अंदर कितना गुना ज्यादा मामला हो जाता है वो गिनते रहिए,
कैसे खुश नसीब लोग हैं जिनको रमजान और मुबारक की नमाजें नसीब हुई। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस बैतुल मक़दिस आए और सवारी के जरिए से फिर आप पहुंचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो फिर किस तरीके से मेराज के वाक़े को आपने लोगों के सामने पेश किया, लोगों को पता कैसे चला? अब इसके लिए फिर इंतजार कीजिए, कब तक के लिए? जब अल्लाह तबारक व ताला जिंदगी दे दे। और फिर अगर मुलाकात हुई तो फिर याद रखना, इस मर्तबा तो मैं पूछने वाला था कि सबक कहां से छोड़ा था, लेकिन एक साहब अंदर ऐसे भी निकले जिन्होंने मुझसे काम तेरा इम्तिहान लेंगे कि तूने कहां से छोड़ा है। मैंने कहा ये अच्छा, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, हमारे गले में पैर डाल दिए हैं इसलिए अब हमको मजबूर कर दिया। तो अब आइंदा साल ये कि मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस में आए और अब वहां से फिर मक्का मुकर्रमा, मक्का में खबर किस तरीके से देते हैं, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसके लिए आप याद रखिए, अपनी डायरियों में नोट कर लीजिए। और अल्लाह जजाए खैर दे भाई महसिन को कि पिछले साल के बयानात इन्होंने यूट्यूब पर डाल दिए और बहुत सी जगह अमेरिका और अफ्रीका में लोगों के फोन आए, बहुत पसंद किया। अल्लाह तबारक व ताला मेरे और आपके लिए इसको नजात का जरिया बनाए। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे इब्राहिम मामू का भी कि जो मेरे आपसे मुलाकात का जरिया बनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाते हमें सुनाई है। अल्लाह इनको आफियत नसीब फरमाए, सेहत और सलामती नसीब फरमाए, ईमान और आमाल की भलाई है इनके और इनके औलाद को अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इसी तरीके से जिम्मेदारान जो है मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, और साथ साथ आप हजरात का भी कि आप हजरात मुझे बहुत मोहब्बत देते हैं। मैं कहा करता हूं इब्राहिम मामू से कि ब्लैकबर्न में आ जाता हूं, मैं तो बरसों से आ रहा हूं, जब यहां आता हूं तो ऐसा लगता हूं कि अपने घर आ गया, बहुत इत्मीनान होता है अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों में। ये अइम्मा हजरात यहां के, अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, अपनी शान से बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। हमने ये जो कुछ बातें कही है और सुनी है, यकीनन हम भी इसके ऊपर अमल के मोहताज, आप भी, हम दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं भी करें कि अल्लाह तबारक व ताला हमें माफ फरमाए, हमें गुमराही में न रखे, अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमाए। तो मैं तमाम ही का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने हमारे साथ सुलूक किया और जिन लोगों ने सुलूक नहीं किया, हंस बोल कर बात करते हैं, आते बैठते हैं एक अच्छा समझ कर, आप हमसे अच्छा गुमान रखते हैं कि अच्छा आदमी है ये समझ कर आप बैठ गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला आपके ख्यालात और आपकी सोच के मुताबिक बना दे दे। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह आपकी सोच के मुताबिक बना दे। कल मैदान महशर में लाज रख ले परवरदिगार आलम, वहां का मामला बड़ा कठिन मामला, यहां ऐसे रहे कि वैसे रहे, वहां जाके देखना है कि कैसे रहे। हाँ यहां तो गुजर जाएगी, वहां पता चल जाएगा कि कितने पानी के अंदर है, क्या है, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हजारों मरतबा माफ फरमाए कि कैचियां जबान पर चलती। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। बहुत से हजरात ने दुआओं के लिए कहा है कि आखिरी दिन हमारे दुआएं करें, तो हम बीमारों के लिए दुआएं करें, मरहूमीन के लिए दुआएं करें, कर्जदारों के लिए, परेशान हालों के लिए। रमजान के आखिरी आखिरी लम्हात है, हम एक दूसरे सब के लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें हमेशा अपने सामने मांगने वाला बना के रखे, मांगने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जमाना बड़ा गौर से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, फिर इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए व अशरफिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। अल्लाह आप कुदरत वाले हैं, आप ताकत वाले हैं, ए अल्लाह सारी चीजें आपके कब्जे कुदरत में हैं, हम आपके सामने बिल्कुल आजीज़ो बेबस और बेकस हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं आपके सामने। ए ताकतों के मालिक, ए कुदरतों के मालिक, ए अच्छे अल्लाह, ए हमारे बहुत अच्छे अल्लाह, हम आपकी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकते, हम आपकी वही तारीफ करते हैं जो आपको अपनी शाया निशान पसंद है। परवरदिगार आलम हम सब की तरफ से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलात और सलाम नाजिल फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआ की कबूलियत में कोई रुकावट को न रखना। ए अल्लाह पूरी रमजानुल मुबारक में जितना मांगा है सब अता फरमा दे, हमें महरूम न फरमा। बहुत आखिरी आखिरी घड़ी है, बहुत आखिरी आखिरी घड़ी है, कितने लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। ए अल्लाह पता नहीं आइंदा जब रमजान आएगी तो हमें रमजान नसीब होगी या न होगी,
हम रमजान में होंगे या ना होंगे, रमजान तो मिल जाए लेकिन अगर उससे फायदा ना उठा सके, ए अल्लाह कभी ऐसी बातों से तुम हमारी हिफाजत फरमा। जब भी तुम मौके दे इबादत के, तेरी तौफीक होती है, तेरा फजल होता है, कभी महरूम ना फरमा। ए अल्लाह तूने अपने फजल करम से हमें रमजान नसीब फरमाया, हमने नाकदरी की है, ए अल्लाह आपने इबादत का मौका भी दिया, आपने शुक्र है कि आपने तरावी अदा करवा दी। ए अल्लाह लंबे रोजे देख के हम तो घबरा रहे थे, आप कितने अच्छे अल्लाह हैं, आप कितने मेहरबान हैं, आप कितने शफीक रहमान और रहीम हैं। ए अल्लाह ये 18 और 20 घंटे का रोजे का आपने पता भी नहीं चलने दिया, आपने हमारे साथ ऐसा सुलूक किया जैसे औलिया इकराम के साथ आप करते हैं, नेक लोगों के साथ जो मामला करते हैं कि सब्र और शुक्र उनको जो देते हैं, उनकी जो मदद और हिफाजत करते हैं। ए अल्लाह तूने तो हमारी वलियों की तरह हिफाजत की है, वलियों की तरह मदद की है। मौला तू लाज रख ले, उठे हुए हाथों की लाज रख ले। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह ए अल्लाह माफ कर दे, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। बहुत गुनहगार बंदे हैं तेरे, बहुत खताकार बंदे हैं, ए अल्लाह उम्मीदें लेकर बैठे हैं, ए अल्लाह हाजतों को दबाए बैठे हैं, हमसे ज्यादा हमारी हाजतों को आप जानते हैं। खजाने गैब से हमारी हाजतों को पूरा फरमा, खजाने गैब से हमारी हाजतों को पूरा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमारी गलत आदतों से हमारा पीछा छुड़ा दे, गलत आदतों से हमारी हिफाजत फरमा, गुनाहों के काम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारे करीब और दूर के रिश्तेदारों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी औलाद जो आपे से बाहर निकल चुकी है, ए रहीम ए करीम आका, ए अल्लाह हमारे औलाद की अच्छे अखलाक से तरबियत फरमा दे, उनको हमारी आंखों के ठंडक बना दे। कितने वालिदैन हैं जो घुट घुट के मर रहे हैं, न कह सकते हैं न सह सकते हैं। ए अल्लाह इतने होश खो बैठे कि तेरे सामने हाथ उठाना भी भूल गए, तेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। ए अल्लाह उनके दिलों को बदल दे, उनके दिलों को बदल दे। हमारे गुनाहों की नहुसत का ये असर है, इस नहुसत के असर से हमें और हमारी औलाद को पाक फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया को अपने अजाब से महफूज फरमा, मामून फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान नाजिल फरमा, खुसूसी तौर पर इस मुल्क में अमन नाजिल फरमा, चैन सुकून नाजिल फरमा, बाहमी इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा, मवद्दत मोहब्बत नसीब फरमा, इस मुल्क के रहने वालों को इंसानियत नसीब फरमा, शराफत नसीब फरमा, दोनों को तमाम कौमों को एक दूसरे के हुकूक पहचानने की तौफीक अता फरमा, तमाम को एक दूसरे के हुकूक पहचानने की तौफीक अता फरमा, इंसानियत का सबक नसीब फरमा, शराफत का सबक नसीब फरमा। ए अल्लाह खुसूसी तौर पर उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा। ए अल्लाह पूरे आलम में जहां कहीं मुसलमान परेशान आने तो उनकी हिफाजत फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। हम तमाम को बार बार की मकबूल मबरूर हाजरी नसीब फरमा, रोज़े अक़दस की मकबूल मबरूर हाजरी नसीब फरमा। ए अल्लाह मस्जिद अक्साई की रिहाई नसीब फरमा। ए अल्लाह बर्मा के मुसलमान, आसाम के मुसलमान, फलस्तीन इराक जहां कहीं तेरे बंदे परेशान हाल मुसलमान, ए अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, सही समझ नसीब फरमा, इंसानियत नसीब फरमा। ए अल्लाह दीन पर चलने वाला बना दे, ईमान पर चलने वाला बना दे, हमें हलाल रिस्क नसीब फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो ए अल्लाह खातिमा ईमान पर नसीब कीजियो। ए अल्लाह कलमा पढ़ते पढ़ते बुलाना, तेरा नाम लेते लेते बुलाना। ए अल्लाह सत्तारी का मामला यहाँ भी किया है, आखिरत में भी कीजियो, जब तक बाकी रहे तब तक सत्तारी का मामला कीजियो। ए अल्लाह हम में से जिनके माँ बाप जा चुके हैं तो उनकी मगफरत फरमा, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को नेकियों से मुबद्दल फरमा। और जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक जिंदा है, ए अल्लाह उनकी उम्र में आफियत के साथ, चैन के साथ, सुकून सेहत के साथ बरकत अता फरमा। हमें उनकी कदरदानी नसीब, हमें उन माँ बाप की कदरदानी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप को तो सलामत रखना, आफियत के साथ रखना,
जिन उस्तादों ने हमें पढ़ाया और बढ़ाया, ये सारा का कमाल उन्हीं का है कि आज उनके कमाल और उनकी बरकतों से बोलने के काबिल बने। अमल से को रहे परवरदिगार, अमल नसीब फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। हमारे असातिज़ा जो जा चुके हैं तो उनकी मगफिरत फरमा, करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बाग, जन्नत का बाग बना दे। और जो असातिज़ा जिंदा है उनकी उम्रों में आफियत के साथ, सेहत के साथ, सलामती के साथ बरकत अता फरमा। हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, उलमा में आपस में इत्तेफाक नसीब फरमा, नफसानियत से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये उम्मत के रहनुमा हैं, अगर यही लड़ पड़े, अगर यही आपस में ना इत्तेफाकी रखे, उम्मत का क्या होगा, उम्मत का शिराजा मुंतशिर हो जाएगा। ए अल्लाह, इनमें मोहब्बत नसीब फरमा, हमें एक दूसरे की कदरदानी नसीब फरमा, हमारे हुफाज की हुफाज की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तमाम हुफाजों को कुरान पक्का याद करा दे, इस हाल में मत उठाना के अंधे और नाबीना बन चुके हों, कुरान भूल कर कयामत के दिन उठाए, इस हाल में न उठाना, मरने से पहले पहले एक एक आयत याद करा दे, एक एक सजदा अदा करा दे, एक एक पाई अदा करा दे, हुकूकुल इबाद की अदायगी में मदद फरमा दे। इस मजमे को खुसूसी तौर पर कबूल फरमा, इस दुआ पर आमीन कहने वालों को खुसूसी तौर पर कबूल फरमा। ए अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी सब अता फरमा, जितनी बुराइयों से पनाह मांगी उसको पनाह नसीब फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबीना محمد ما واهل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين